आपका प्रश्न है कि परम पिता परम आत्मा ने हम बच्चों को अपना सब कुछ दे दिया है। कहता है मैं पहले आकर अपना सब कुछ तुम्हें देता हूं। कैसे दिया है, कहाँ है, कैसे देते हैं, कहाँ है वो, क्या दिया है बाबा ने हमको। ठीक बात है, दुनिया वाले बाप के पास मकान होता है, कंपनी होती है, गाड़ियां होती है, सामान होता है, वो देता है। और ये कुछ देता तो है नहीं, रोज आना चुपचाप आता है, चार पन्नों की मुरली सुना देता है, हो गया काम। परम पिता परमात्मा के पास क्या है ये हमें उस मुरली से पता चलता है। बाबा के पास हम आत्माओं को देने के लिए सिर्फ और सिर्फ सात गुण, उन सात गुणों के आधार से आठ शक्तियां हम आत्मा को मिलती हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं मिलता है। ही यही उसके पास आकर देता है। और ये कितना लेना चाहो आप ले सकते हो, यह खत्म होने वाला नहीं है। ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, आनंद और पवित्र, इनके आने से, इनके जैसे जैसे अनुभवी बनते जाएंगे, आठ शक्तियां आपके जीवन में आती जाएंगी, जिनसे आप अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाएंगे। और कैसे, मुरली से लेना है, ये भोजन है। बाबा कहते मैं ज्ञान घास खिलाता हूँ, ज्ञान अमृत देता हूँ, ज्ञान दूध पिलाता हूँ, ज्ञान की लोरी देता हूँ, क्योंकि हर रिश्ते से अपना अपना नए नए तरीके से अल्टीमेट ये मुरली, ये ज्ञान जो परमात्मा दे रहे हैं, इसी से ही सातों गुण आठों शक्तियां, ये बाप का खजाना है, हर बच्चे को अधिकार है। परंतु दुनिया वाला बाप तो बराबर बराबर बांट कर देता है, परंतु ये बाप कहता है जितना चाहिए ले लो, लेने की विधि है बांट दो, दे दो। लेने की विधि वंडरफुल है, बांट दो। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान तुम्हारा बढ़ता जाएगा, जितना प्यार बांटोगे, जितनी आत्माओं को प्यार बांटोगे उनसे तुम्हें प्यार मिलेगा, जितना शांति दूसरों को अनुभव कराओगे उतना शांति तुम्हें मिलेगी, जितना सुख दोगे उतना सुख मिलेगा, जितना आनंद दोगे उतना आनंद मिलेगा, जितना पवित्रता बांटोगे उतनी पवित्रता मिलेगी, दोगे तो देवता बनोगे, नहीं दोगे तो नहीं बनोगे। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करो, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो 921